अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ दानिश हुसैन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था पाइथन का, है ना, और उसके बाद हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, है ना, पाइथन को इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया था यहाँ पर, है ना। एंड उसके बाद हमने एक सिंपल सा एक पाइथन प्रोग्राम रन किया था, है ना, ये वाला प्रोग्राम रन किया था। तो आज हम उसके आगे हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं, पाइथन कमेंट्स एंड इंडेंटेशन। ओके, तो देखिए एक बार हम लोग इसको यहाँ पर मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, file2.py। ओके, तो देखिए सिंपल मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ, और सिंपल मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, प्रिंट। प्रिंट क्या करता है? प्रिंट करता है कंसोल पर, आउटपुट प्रिंट करता है। इस स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी देते हैं उसको वो आउटपुट प्रिंट कर देता है ना। हेलो वर्ल्ड दे दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड 1 दे देते हैं ना, तो ये प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ, पाइथन file2.py, ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा सिंपल, है ना, ऐसा ही है। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ, अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि पाइथन में कमेंट कैसे करते हैं हम। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कमेंट होते क्या हैं और करते कैसे हैं। तो थोड़ा सा हम एक दो लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। तो हेलो वर्ल्ड, जिससे कि मैं आपको ये समझ में आ जाए, इस वजह से मैं आपके साथ ये कुछ लाइंस लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड 2 लिख दिया, यहाँ पर अगर मैं 3 लिख देता हूँ सपोज, तो 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ तो देखिए क्या होने वाला है। रन कैसे कराते हैं? पाइथन और जो भी फाइल आपको रन कराना है यहाँ पर वो आप file2 दे देंगे, है ना, तो ये रन हो गया सिंपल। उसके बाद अगर मुझे क्या करना है यहाँ पर, python 4 कराना है तो 4 करा दूंगा, है ना। और मुझे कुछ और करना है, मान लिया ये मैं कुछ और भी करा लेता हूँ, है ना। सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, इतनी सारी लाइन्स मैंने प्रिंट करा ली, है ना, 5 6। आप देख रहे होंगे ये क्यों इतना करा रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि कमेंट क्या होता है। तो अभी हमने क्या किया, 9 ऑलमोस्ट 10 लाइन्स हमने प्रिंट करा ली। तो ये कुछ भी नहीं है, हमने लाइन प्रिंट कराई है बस 10 लाइन्स। देखिए 1 2, ये जो भी हमने यहाँ पर लिखा था पाइथन ने उसको प्रिंट कर दिया, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पाइथन का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, फाइल की जो स्टार्टिंग होती है वो फर्स्ट लाइन होती है, वहाँ से स्टार्ट होता है और लाइन बाय लाइन चलता रहता है। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, मींस कुछ उसमें लाइंस होती हैं, और वो लाइन लाइन बाय लाइन रन होती है। जैसे इसमें क्या है, लाइन बाय लाइन रन हो रही है, फर्स्ट लाइन रन हुई, उसके बाद सेकेंड लाइन, उसके बाद थर्ड, एंड सो ऑन, जब तक प्रोग्राम में कोड लिखा हुआ होता है तब तक प्रोग्राम रन होता रहता है। तो ये कोई भी प्रोग्राम पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का ऐसे ही होता है। तो देखिए, ये तो सिंपल सा हमने प्रोग्राम बना लिया और उसको रन भी करा लिया। सपोज मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 पर मैंने ये लगा दिया, 5 लाइन पर मैंने हैश लगा दिया, सबसे पहले हैश लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर अभी 5 आया था ना, अब देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पर 5 नहीं आया, देखिए 3 आया, 4 आया, 6 आया, 5 नहीं आया। इट मीन्स पाइथन ने क्या किया, ये लाइन रन की, ये लाइन रन की, ये लाइन रन की एंड ये लाइन रन की, है ना। बट जब इस लाइन पर कंट्रोल आया पाइथन का, तो पाइथन ने ये लाइन रन नहीं की, मीन्स एग्जीक्यूट नहीं की, है ना। फिर उसके बाद ये की, ये की, ये की, इस इट मीन्स ये हुआ कि ये लाइन कमेंटेड है, जबकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फाइल में है, बट पाइथन ने इसको रन करने के लिए कंसीडर नहीं किया। इट मीन्स ये पाइथन में लाइन कमेंटेड है।
तो कमेंटेड कमेंट कैसे करते हैं किसी लाइन को, हम पाइथन में किसी भी लाइन से पहले हैश पुट कर देंगे, कहीं भी हैश पुट कर देंगे, स्पेस दे या ना दे, हैश अगर हम पुट कर देंगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। लाइन कमेंट होना मींस पाइथन उस फाइल को रन नहीं करेगा, मींस सॉरी उस लाइन को रन नहीं करेगा, पाइथन उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जबकि वो लाइन कोड में होगी, बट पाइथन जब उस लाइन पर आएगा तो उसको रन नहीं करेगा। जैसे किसी और लाइन को हम लोग कमेंट कर देते हैं, सपोज मैं यहाँ यहाँ पर 8 लाइन को कमेंट कर देता हूँ, है ना। तो 8 लाइन को कमेंट कर दिया, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ध्यान क्या होगा, देखिए इसने 5 भी नहीं की, 6 की, 7 की, बट 8 नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि 8 लाइन इज कमेंटेड। तो कमेंट कैसे बनाते हैं हम पाइथन में, किसी भी लाइन से पहले हैश अगर हम पुट कर देंगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी, और कमेंट मीन्स पाइथन उस लाइन पर जब आएगा तो उसको एग्जीक्यूट, इसको रन नहीं करेगा, यही होता है कमेंट। अच्छा दूसरी बात ये आती है, ये तो हमने देख लिया कि पाइथन में कमेंट करते कैसे हैं, और करते कैसे हैं, हैश लगा देते हैं वैसे करते हैं। और दूसरी बात हमने ये देख ली कि अगर कोई लाइन कमेंटेड है, मींस उस लाइन से पहले हैश लगा हुआ है, तो पाइथन उस लाइन को रन नहीं करेगा। बट कमेंट हम करते क्यों हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है ना। तो देखिए सम टाइम हमें ऐसा होता है कि हम लोग कोई कोड कर रहे होते हैं, है ना। तो कोड करने से कोड हम क्यों कर रहे हैं, हम कोई कोई कोड लिख रहे हैं तो हम क्यों लिख रहे हैं ना। जैसे हम 2 नंबर्स का सम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं उससे ऊपर हम राइट कर देते हैं कुछ अपनी लैंग्वेज में कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई एम डूइंग, या फिर एडिंग 2 नंबर्स। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि सम टाइम अभी तो देखिए 2 नंबर्स का सम हो रहा है, तो हम इसको देखकर पहचान जाएंगे कि सम हो रहा है, बट कॉम्प्लेक्स अगर कोडिंग होती है तो उसको हमें समझ में नहीं आता। अगर आज हम लिख रहे हैं तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं अपने खुद के कोड को विजिट करूंगा तो मुझे ये समझ नहीं आ पाएगा कि ये मैंने कोड क्यों किया था। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके ऊपर एक कमेंट डाल देते हैं कि ये कोड हमने क्यों किया था, जिससे कि मैं आऊँ 2 महीने बाद तो मुझे पता लग जाए, मुझे एकदम से मैं उसका कमेंट देखूं ऊपर और मुझे पता लग जाए कि यार मैंने इसलिए कोड किया था। या समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोग्रामर एक टीम में काम करते हैं ना, तो मैंने सपोज कोई कोड लिखा तो मैंने उसमें ऊपर कमेंट डाल दिया, है ना। दूसरा प्रोग्रामर उस फाइल को अगर विजिट करता है तो वो कमेंट पढ़कर समझ जाएगा कि मैंने ये काम क्यों किया था, मुझे उस वो मुझसे बार बार आस्क नहीं करेगा कि भाई यार तुमने ये काम क्यों किया था, है ना। उसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कमेंट ऑलरेडी डाल रखा है, वो वहां पर रीड कर सकता है। तो सबसे पहले कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं ना। पहला पहला बेनिफिट तो इसका कमेंट का ये हो गया, कमेंट करते कैसे, हैश लगा के। ओके तो सबसे पहले पहला यूज क्या हो गया कि कमेंट को हम लोग यूज करते हैं कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए, है ना, कोड हमने क्यों राइट किया है। अच्छा दूसरी बात ये होती है कि समटाइम हमने कोई कोड पुट किया, है ना, कोड कोई राइट किया, तो अभी हमें लगा यार ये कोड की नीड अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, हो सकता है बाद में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कोड को डिलीट करना होगा, लेकिन बाद में होगी तो हमें फिर से उसे कोड को राइट करना होगा, है ना, जो कि फिर से हमें कोड लिखना पड़ेगा, फिर से टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो हम क्या करते हैं, उस कोड को कमेंट कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, ये लाइन हमें अभी नीड नहीं थी इस लाइन की, हम नहीं चाहते हैं कि पाइथन अभी इसको एग्जीक्यूट करे, लेकिन हम चाहते हैं, हो सकता है 1 मंथ या 2 मंथ बाद हम इस फाइल को, इस लाइन को रन कराना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बाय ओनली, मतलब इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे, जब भी हमें इस लाइन की नीड होगी इन फ्यूचर तो हम यहाँ पर आएंगे और कमेंट हटा देंगे, तो ये हमारा लाइन रन होने लगेगी, ये कोड जो है रन होने लगेगा। सपोज मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो देखिए रन हो गया। तो कोड को हम लोग टेम्परेरी पर्पस के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब उसको एग्जीक्यूट ना हो उसके लिए हम लोग कमेंट करते हैं, या फिर कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए हम लोग कमेंट करते हैं। तो आपको आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम लोग कोड को कमेंट क्यों करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग सिंपल किसी लाइन को कमेंट करना हैश लगा देंगे, है ना, हैश लगाकर वो लाइन कमेंट हो जाएगी, और कमेंट हटाना है तो लाइन से हैश हटा देंगे, कमेंट हट जाएगा।
ओके, कमेंट लगा हुआ है, इट मीन्स फाइल में कोड है, बट फाइल का कोड जब पाइथन उस फाइल को रन करेगा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे इस केस में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, समटाइम ऐसा हो सकता है कि हमें क्या करना है, बहुत सारी लाइंस कमेंट करनी है ना, बहुत सारी लाइंस, तो हम क्या करेंगे, क्या हर लाइन पर, सपोज हंड्रेड्स ऑफ लाइंस हमें कमेंट करनी है, तो हंड्रेड्स ऑफ लाइन पर जा जा के हम लोग अगर ऐसे हैश लगाएंगे तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा, है ना ये। तो अगर हमें मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है, देखिए सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो हैश लगा देंगे, मल्टीपल लाइन में भी हम जा जाके हैश लगा सकते हैं, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है तो उसके लिए पाइथन में होता है, आप क्या करेंगे, सपोज मुझे यहाँ पर थ्री लाइन से लेकर सिक्स लाइन तक कमेंट करनी है, इतना कोड कमेंट करना है, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन है हैश लगा दूँ, अदरवाइज एक बार में भी मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, कैसे, बाय पुटिंग ट्रिपल डबल कोड। ओके, जहाँ से मुझे लेकर जहाँ तक कमेंट करना है तो ट्रिपल डबल कोड से मैं शुरू करूँगा, और जहाँ तक करना है मीन्स यहाँ तक करना है ना, यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एंड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथन इस कोड को इस ट्रिपल कोड के अंदर, ट्रिपल कोड है ना, ट्रिपल डबल कोड, वन टू थ्री, ट्रिपल डबल कोड जब शुरू होगा वहां से लेकर जब तक ट्रिपल डबल कोड नहीं मिल जाएंगे वहां तक के कोड को पाइथन कमेंट समझेगा और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर देखिए मैं अगर अभी इस फाइल को रन करता हूं तो क्या होने वाला है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, पाइथन यहाँ पर समझ जाएगा कि थ्री डबल कोड है और कहाँ तक, यहाँ तक है, तो इन लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे यहाँ पर आएगा, है ना, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो अभी मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए वन लाइन एग्जीक्यूट हुई है ना, टू लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेवन, सीधे सेवन एग्जीक्यूट हुई है ना, फिर एट नहीं हुई है ना, फिर नाइन हुई और फिर टेन हुई। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल डबल कोड से भी हम कमेंट कर सकते हैं और हम लोग ट्रिपल सिंगल कोड से भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल सिंगल कोड है ना, ट्रिपल सिंगल कोड से अगर शुरू करेंगे तो ट्रिपल सिंगल कोड से हमें एंड करना होगा, ट्रिपल डबल कोड से शुरू करेंगे तो ट्रिपल डबल कोड से हमें एंड करना होगा। तो ट्रिपल डबल कोड के अंदर जो कोड होगा या ट्रिपल सिंगल कोड के अंदर जो कोड होगा वो कोड कमेंटेड माना जाएगा, कमेंटेड मीन्स पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो हमने देखिए यहाँ पर कमेंट के बारे में देख लिया, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं पाइथन में, कैसे होते हैं, बाय पुटिंग हैश लाइक दिस, एंड मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है तो आइदर वी कैन यूज ट्रिपल डबल कोड से शुरू करें और ट्रिपल डबल कोड से एंड कर दें, और वी कैन यूज ट्रिपल सिंगल कोड एंड ट्रिपल सिंगल कोड से हम लोग एंड कर दें। तो हम लोग ऐसे सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन हम लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया कमेंटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि कमेंट हम करते क्यों हैं, आइदर कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए कमेंट करते हैं और कोड को टेम्परेरी स्टॉप करने के लिए, इन फ्यूचर हमें उस कोड की नीड हो सकती है तो उसको हम लोग यूज़ कर पाएँ, उसको अनकमेंट कर दें और वो कोड यूज़ हो सके, जैसे इस कोड को अभी मुझे अनकमेंट करना है, सिंपल मैं यहाँ से हैश रिमूव कर दूंगा तो ये कोड अनकमेंट हो जाएगा और ये दोबारा फिर से रन होने लगेगा, है ना, ये देखिए रन होने लगा। तो हमने इसमें कमेंटिंग के कमेंट कैसे करते हैं पाइथन में इसको लर्न कर लिया, है ना। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंडेंटेशन के बारे में, है ना। तो देखिए इंडेंटेशन पाइथन में जो कोड होता है वो इंडेंट होना चाहिए, है ना। इंडेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ से हमने शुरू किया तो सारी लाइन्स यहीं से शुरू होनी चाहिए, है ना, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ अगर स्पेस दे देता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ रन करता हूँ, है ना, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये एक इशू आएगा, इंडेंट का इशू आएगा, है ना, इंडेंट का इशू आएगा। इट मीन्स ये आपको बता भी देगा कि कहाँ पर इंडेंट का इशू है, किस लाइन पर है, लाइन नंबर टू पर इंडेंट का इशू है। तो आप
जब भी इंडेंट का इशू आए तो आप समझ जाएं आइदर आपने कोई एक स्पेस कम दिया है या फिर कोई कुछ स्पेस ज़्यादा दिया है। यही है, बस उस लाइन पर जाएं, आप उस लाइन पर देखें कि स्पेस कम है या ज़्यादा है, वहाँ से वो स्पेस रिमूव करें, इंडेंट का इशू आपका एंड हो जाएगा। तो जैसे हमें ये बता रहा है कि लाइन नंबर 2 पर इंडेंटेशन का एरर है, इंडेंट का एरर है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्पेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाइथन क्या कहता है कि पाइथन कहता है कि सारी लाइन आपकी इंडेंट होनी चाहिए, मीन्स एक ही लेवल से शुरू हो। देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया है ना, एक ब्लॉक को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्लॉक में कैसे इंडेंटेशन होगा। फिलहाल अभी तो हम ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ से बिगिन हुई है तो सारी लाइन यहीं से बिगिन होनी चाहिए, है ना, सारी लाइन्स। अगर मैं थोड़ा सा भी कहीं स्पेस दे देता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा भी, है ना, तो क्या होगा, ये रन नहीं होने वाला है। ये देखिए अभी इसने लाइन नंबर 9 पर, सॉरी 11 पर इंडेंट का इशू दे दिया। इंडेंट का इशू मीन्स स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अभी मैं इसको रन कराता हूं तो देन ये रन हो जाएगा, जैसे ही इंडेंट का इशू होगा तो रन नहीं होगा। सपोज हम फाइल नंबर 1 की बात कर दें, देखिए इसमें कोई भी स्पेस नहीं, नो नो इशू, ये फाइल रन हो रही है बिल्कुल, है ना। पाइथन, अगर मैं इस फाइल को रन कराता हूँ, फाइल 1.py, तो ये क्या होने वाला है, इसमें फाइल 1.py, इसमें पाइथन से मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। स्पेल मिस्टेक्स होती हैं, देखिए अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो मिस्टेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग प्रोग्रामिंग, इवन यू आर नॉट लर्निंग प्रोग्रामिंग इफ़ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे पाइथन लिखना होगा। ये तो टाइपो मिस्टेक है, खैर बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं अगर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या लर्न करते हैं, है ना, मिस्टेक्स आना अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसने रन कर दिया। देखिए जैसे ही मैं अगर थोड़ा सा भी स्पेस इसमें देता हूँ तो इसको मैं अगर रन करूँगा तो क्या आएगा, इंडेंट का इशू आएगा। किस लाइन पर, जिस लाइन पर हमने इशू होगा, 4 लाइन पर है, 4 लाइन पर हम देख पा रहे हैं कि स्पेस हमने देना चाहिए था, क्योंकि सारी सारी लाइन्स यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, है ना, तो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लाइन इस पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक मीन्स हम आगे पढ़ेंगे कि इफ, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सारे पढ़ेंगे, है ना। तो पाइथन क्या करता है, ब्लॉक लेवल पर इंडेंटेशन को मेंटेन करने को बोलता है कि आपको हर ब्लॉक को इंडेंटेशन करना है ना। सपोज मैंने यहाँ पर इफ लगाना है ना, तो इफ लगाना है तो इफ लगाने के बाद यहाँ पर मुझे कोई कंडीशन देनी है, सपोज मान लिया। ओके, एंड यहाँ पर जैसे ही मैं इफ एक ब्लॉक है, तो जब ये ब्लॉक शुरू होगा तो पाइथन बोल रहा है कि ये ब्लॉक आपका जब तक चलेगा जब तक आपका ये इंडेंटेशन लेवल मेंटेन रहेगा। सपोज मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ इफ इफ वन सपोज, है ना। तो इफ आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप समझ अब देखते रहिए, क्योंकि अभी आपने इफ नहीं पढ़ा है ना। इफ पढ़ेंगे तो देखेंगे, मैं आपको इंडेंटेशन लेवल बता रहा हूँ कि ऐसे मेंटेन होता है। तो देखिए इसमें सारा लेवल मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हमने हमारा जो टॉप ब्लॉक था उसमें हमने कोई भी इंडेंटेशन नहीं, मतलब कोई इशू नहीं था। अब जब हमारा इफ ब्लॉक शुरू हुआ तो इफ ब्लॉक हमारा जब तक चलेगा जब तक ये इंडेंटेशन लेवल मेंटेन रहेगा। जैसे ही इंडेंटेशन लेवल मेंटेन एंड हो जाएगा तो इफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें अगर एक एक स्पेस भी कम देता हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इफ मेरा यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो सारी लाइन्स यहाँ से ही शुरू हों, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन को यहाँ से बिगिन नहीं किया, तो ये क्या देगा, एरर देगा, है ना, एरर। यहाँ पर मैं ट्रू कर लेता हूँ, एरर। तो मैं यहाँ पर एरर दे रहा है, क्योंकि हाँ इफ में ये भी लगाना होता है, फिर भी ये एरर देगा। यहाँ पर ये देखिए डज नॉट मैच इंटरनेशनल लेवल, है ना, इंटरनेशनल लेवल को हम मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं स्पेस यहाँ से हटाऊंगा तो ये इंटरनेशनल का लेवल ख़त्म हो जाएगा, है ना। और वैसे भी जिस ब्राउजर में जिस आईडी में हम काम कर रहे हैं वो भी हमको इशू देता है कि आप यू आर नॉट मेंटेनिंग योर इंटरनेशनल लेवल। ये देखिए रेड साइन देख पा रहे हुए, है ना, तो ये इंडेंटेशन का आपको एरर दे रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि इफ अभी हमने स्टडी नहीं किया है ना। तो आप ये मान के चलें आपको सारी लाइन एक ही लेवल से शुरू करनी है, मतलब कोई भी स्पेस नहीं देना है। जैसे ही आप स्पेस देंगे इंडेंटेशन का इशू आ जाएगा, है ना। तो इस लेक्चर में हमने कमेंट को देखा कि पाइथन में हम कमेंट कैसे करते हैं,
सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, मल्टीपल लाइन को अगर कमेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, बाय पुटिंग ट्रिपल डबल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट, है ना। और हमने देखा कि पाइथन कितना स्ट्रिक है अपने इंडेंटेशन लेबल को लेकर, हमें अब किसी भी पाइथन फाइल में इंडेंटेशन लेबल को मेंटेन करना ही होगा। इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग इंडेंटेशन लेबल देन इट विल थ्रो एन एरर और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होने वाला। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाले हैं, है ना। अल्लाह हाफिज़।